उन्होंने ये अपील की मेनी इकोनॉमिक पॉलिसीज रिक्वायर ए लार्जर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट बोथ विद इन द यूपीए एंड विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल. वी आर स्ट्राइविंग सिंसियरली फॉर दिस कंसेंसस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द यूपीए. इन अ डेमोक्रेसी डायलॉग डिबेट एंड डिस्कशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड बट द अपोजिशन टू स्पेशली द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैज टू कम फोर्थ एंड शो ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाद में उन्होंने कांग्रेस के सभी संसद सदस्यों से अपील की कि वे चुनाव आ रहे हैं, आगे चुनाव है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए हमें तैयार होना चाहिए और लोगों को यहां की सच्चाई से अवगत कराना चाहिए. फ्रेंड्स, वी आर नाउ एंटरिंग ए पीरियड इन विच इलेक्शंस विल कंज्यूम मच ऑफ आवर टाइम. वी हैव मेनी अचीवमेंट्स, वी हैव नथिंग टू फील डिफेंसिव अबाउट. वी आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस बिफोर अस. वी विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई द इंटेम्परेट कांग्रेस बैशिंग by the opposition. Let us stand up and fight. Fight with a sense of purpose and fight aggressively. सारे लोगों को उन्होंने आह्वान किया कांग्रेसियों का, संसद सदस्यों का, कि वो हर चुनौती का सामना करें. किसी भी तरह से आत्मरक्षात्मक रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है. हमने इतने काम किए हैं, सही काम किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं, अपने वादों को पूरा किया है और इसलिए हमको सिर उठाकर अपनी बात कहने का अधिकार है. जनता को ये सब समझाना चाहिए. ब्लैकमेल कर क्या कहेंगे बीजेपी पर लेटन बटर बोला है कि आपको लगता है बीजेपी की रोजी रोटी बन गई है ब्लैकमेल करना, ये कहना चाहती थी सोनिया गांधी. कहना है आपका प्रश्न है कि जो रवैया उन्होंने अपनाया है ये ब्लैकमेल का और इस तरह का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोजी रोटी है? मैं समझता हूँ इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है. किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी मैं कहूंगा सभ्य समाज में संवाद के बगैर काम चल सकता है क्या? ये लोकतंत्र की पहली शर्त है. संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बहस होना चाहिए. संसद किस लिए बनी है? उस बहस से भागना क्या किसी तरह से का भय नहीं है कि शायद हम अगर चर्चा होगी तो हमारी जो सारी बातें हैं, जो किला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ढह जाएगा, उसमें कुछ नहीं रखा है, कोई दम नहीं है. तो इसलिए बिल्कुल सही बात है उन्होंने ये कहा है. सर, बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि वो संवाद के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या रणनीति होगी कांग्रेस की आगे? क्या ये रणनीति का प्रश्न ही है. इसका फैसला तो जिन्होंने इस संसद में चुनकर लोगों को भेजा है उनको अपनी राय बनानी है. वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है. सरकार अपना काम करती रहेगी और संसद में हम संवाद की बात करते रहेंगे.